फर्स्ट लाइन की लिखा है, मॉडर्न फिजिक्स टाइम एरा की लिखा है 1882 1970। अगर बुक चल कैसे लिखा हुआ है 1900 to 1950, दैट्स ऑल्सो राइट। कैसे बुक चल क्या 1900 to 1970, दैट इज ऑल्सो राइट। दैट इज वाई ये कदे भी क्वेश्चन नहीं आया कि मॉडर्न फिजिक्स एरा का की मतलब है, बिकॉज डिफरेंट बुक्स टेकन टू अकाउंट डिफरेंट आस्पेक्ट। बट असी कितों तक कवर किया है, देखो 2010 भी लिखा हुआ है ना। रीजन इज वी हैव कवर्ड इट विद एन ओपिनियन टू लेट यू नो और मेक अ लिंक किदा किदा चैप्टर नंबर 7, 8, 9 एंड 10। 10 दे विच हुन इंट्रोड्यूस किया है इंटरनेट, दैट मीन्स 2015 दे नाल भी अगर मैं लिखता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पार्ट ईयर बोलो बोलो की होया सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। साइंटिस्ट का नाम लिखे हर्ट्स और हॉल वॉच, दो नाम के में आ गए। हर्ट्स वॉज परफॉर्मिंग वन एक्सपेरिमेंट, कड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा सी वह, चैप्टर नंबर 5 से रिपीट होगा पूरा डिटेल च। रॉड 1 एंड रॉड 2 दोनों च लगाई हाई वोल्टेज, स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड, इनू कहिंदे आ आर्क। ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस आर्क, वेल्डिंग आर्क, स्पार्क देखे ना, लाइटर च भी स्पार्क देखे है। सो दिस एक्सपेरिमेंट विल कवर डिटेल च करांगे चैप्टर नंबर 5। ही वॉज परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट एंड वट यू ऑब्जर्व नियर बाय जो प्लेट सी एक वो पॉजिटिव होगी, बस इन्ना ही उन्हें ऑब्जर्वेशन उन्हें नोट कर लिया। यदा मतलब की है पॉजिटिव किमें होंगे प्लेट, आ वाली प्लेट पॉजिटिव किमें हो सकती है इफ यू रिमूव सम इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज वन यू कैन से डिस्कवरी बाय चांस एक्सीडेंट, इन्ना उन्हें ऑब्जर्वेशन करके नोट करके छड़ता। ऑन द अदर साइड जो दूसरा ग्रुप से हॉल वॉच एंड लीनार्ड, उन्होंने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए अप्रोक्सीमेटली फॉर 15 ईयर्स, 15 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। दैट इज वाई ये वर्क की चल रहा सी पैरल चल रहा है। सो अगर क्वेश्चन आ गया कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किन्ने किए हैं फॉर 15 ईयर्स, तो वह आंसर की है हॉल वॉच एंड लीनार्डो, दूसरा नाम भी है। 1887 फिर लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट बोलो, सेम एक्सपेरिमेंट ही सेम सी, ईएम वेव एक्सपेरिमेंट। इट वाज द सेम एक्सपेरिमेंट, और इंटरेस्टिंग पार्ट पता की है, सेम एक्सपेरिमेंट नाल एक चीज प्रूव हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स और लाइट इज अ वेव। सेम एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव होया दैट इट इज अ पैकेट। डुअल नेचर सुने ना, तो डुअल नेचर दे विच किवें होया स्टोरी है, वन बाय वन चलांगे। नेक्स्ट 1897 बोलो जे जे थॉमसन, ये जे टी लिखा हुआ करेक्शन कर लो प्लीज, जे जे थॉमसन मॉडल बोलो की सी। यस एटम नू एक्सप्लेन करने की कोशिश की, प्लम पुडिंग मॉडल, जिस तरह एक केक दे विच काजू है उस तरह ये की है इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटड, तो वो की है इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला केस है। एटम नू एक्सप्लेन करने वास्ते बिफोर दिस पार्ट नाल ही लिखा हुआ देखते हैं, एवरी एलीमेंट इन पीरियोडिक टेबल हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रा। पहला ये दसो यदा की मतलब है, तुसी देखा कोई स्पेक्ट्रा कोई एप्लीकेशन, स्ट्रीट लाइट देखी है थोड़ा येलो कलर है वो बल्ब है, सोडियम लैंप, वेरी सिंपल एप्लीकेशन, ऑल ऑफ यू हैव सीन सोडियम लैंप, सोडियम वेपर्स, तो जो
वेवलेंथ से 5896 एंगस्ट्रॉम, इफ इट इज क्लोज टू 6000 क्या लगा कलर कड़ा बनना चाहिए येलो, येलो तो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन लगा लो। सो यू हैव सीन द स्पेक्ट्रा, सन तो जो लाइट आती है ऑल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट, ऑल वेवलेंथ्स, दैट इज वाई इट इज द बेस्ट लाइट, एंड ह्यूमन आई इज ऑल्सो डिजाइन टू वर्क अंडर सनलाइट, नॉट अंडर आर्टिफिशियल लाइट। बट ये जो है सोडियम का स्पेक्ट्रा हो गया, उन्होंने किवें किया पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल पहला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा किया, हीलियम, जिन्ने भी पीरियोडिक टेबल से सारे ने स्पेक्ट्रा देखा, स्पेक्ट्रा देखने तो बाद एक फार्मूला है एम्पेरिकल फार्मूला लिखा है, फॉर सोडियम बल्ब वैल्यू वेवलेंथ इज 5896 फ्रॉम ऑब्जर्व्ड वैल्यू एम्पेरिकल फार्मूला इज फॉर्मड, व्हाट वाज द फार्मूला, यस 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एम्पेरिकल फार्मूला, एनीवन हाथ खड़ा करो, हू कैन एक्सप्लेन व्हाट एन एम्पेरिकल फार्मूला इज, गलत भी ट्राई करो कोई गल नहीं, इक्वली गुड है मेरे वास्ते, इफ यू कम आउट विद द रॉन्ग आंसर वो इक्वली गुड है, बोलो बेटा। ये तो फार्मूला हो गया बेटा, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो, चलो फाइन कोई गल नहीं, गुड यू आर ट्राइंग, तुसी भी कुछ ऐड किया, उन्होंने भी कुछ ऐड किया, एम्पेरिकल फार्मूला इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, फार्मूला ही नहीं लिख सकते सी, सफिशिएंट नहीं फार्मूला, कैसे फार्मूला सफिशिएंट नहीं होना चाहिए, एम्पेरिकल फार्मूला का की मतलब है, देखो एक छोटा जा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑन अ क्रॉसिंग तुसी मेजर करना शुरू किया रेड लाइट, उत्थे नंबर ऑफ व्हीकल्स तुसी मेजर करने शुरू किए, 7 to 8 मॉर्निंग यू मेजर द नंबर ऑफ व्हीकल इज 25 एंड 8 to 9 50, एनी डे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, यू परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट ऑन संडे 7 to 8 नंबर ऑफ व्हीकल्स 10 8 to 9 20, इफ आई कॉल 7 to 8 व्हीकल्स एज एक्स दिस एज वाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, बोलो वाई इज इक्वल टू 2x, यदि डेरिवेशन कर सकते हो नहीं होंगे बट ये ट्रू है, सम फार्मूला बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड सर्टन कन्वेंशन जो हमेशा ठीक निकलता हो कहने एम्पीरिकल फार्मूला। सो यह टेबल बनाया सारिया का, सारे की वेवलेंथ देखी, ये चेक किया दैट ऑल द टोटल टेबल फॉलो दिस पर्टिकुलर फार्मूला, बट देयर वॉज नो थेरी डेरीवेशन फॉर द सेम, जे जे थोड़ा सुनाया उन्होंने कहते तेरी गल ठीक है, आ प्रूव करके दिखा, शुरू इतों कर डेरीवेशन करता जा करता जा करता जा एंड ते आके ये वाला रिजल्ट आ जाना चाहिए, कहता नहीं आता, सो थोड़ा टाइम सरवाइव किया, की रीजन सी, यस बोलो ए सक्सैस का कोई रीजन पढ़िया केमिस्ट्री च कि नहीं, वन न्यूट्रल है जिन्ना पॉजिटिव चार्ज है उन्ना ही नैगेटिव चार्ज है, सैकेंड इज गुडविल, बड़ा साइंटिस्ट सी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी च बहुत वड्डी उहदी कॉन्ट्रीब्यूशन सी, दैट इज़ वाई उन्होंने मान लिया भी इन्ना बड़ा साइंटिस्ट है आमिर खान है पिक्चर देखा तो अच्छी तो होनी चाहिए, ठीक है, दैट वॉज द रीजन गुडविल दे बेस तेनों एक्सैप्ट कर लिया, बट अदरवाइज कुछ नहीं सी, एज इट इज इन्ना पॉजिटिव चार्ज होना ही नैगेटिव, बाकी सारा गलत सी, पॉजिटिव चार्ज एज ऑन टूडे इज इट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटड, इट इज प्रेजेंट ओनली एट द सेंटर, सो भी गलत सी, जिन्ना बोर्ड से लिखे पॉइंट 1, 2, 3 तीन पॉइंट जो डिस्कशन की है, 5 मिनट्स विद यू, 5 मिनट्स टू राइट।
फोर्थ पॉइंट बोलो कि है यस देर आर सम अदर साइंटिस्ट ऑल्सो सम अदर एटमिक मॉडल्स सारे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है टाइम जो जो होया है टाइम दे सामने लिखा है यस फोर्थ टाइम कड़ा लिखा है 1905 साइंटिस्ट बोलो कड़ा आइंस्टाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फोर फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स इन वन ईयर कड़े कड़े बोलो फर्स्ट बोलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर थ्री फोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की चीज है इन्हें डिस्कवर किया सी नो इन्हें की लिखा है फार्मूला इक्वेजन 15 साल 15 ईयर्स दो साइंटिस्ट वर्क करते रहे ऑब्जर्वेशन टेबल एक्सपेरिमेंट नो वन कुड एक्सप्लेन दोज एक्सपेरिमेंट्स आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड दोज एक्सपेरिमेंट्स बाय गिविंग वन इक्वेशन ऑल ऑफ यू नो दैट इक्वेशन बोलो की है एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी दिस चैप्टर डील्स विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करांगे ये तो इंट्रोडक्शन है कंट्रोवर्सी पता की है पता ना कि फार्मूला उसकी वाइफ ने लिखा है चलो कोई गल नहीं एक कदम इन अवार्ड कदम मिला 1921 16 साल बाद आफ्टर 16 इयर्स दूसरा की है कंट्रीब्यूशन की है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये भी करांगे चैप्टर 8 ए 8 बीच ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ 1 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਲ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਆਲ ਦੈਟ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ ਇਹ ਨੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ 51% ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ BSc 'ਚ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲਰਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਥਿਅਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਵੀ 100 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਨ ਡੇਕਡ ਬੈਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਉਨੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਬਰਾਊਨ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦੈਨ 1910-11 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੈਸ ਰਦਰਫੋਰਡ ਕਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਯੈਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਫਾਇਰ ਟੂਵਰਡਸ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗੈਟ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦੋਜ਼ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ BSc 1 BSc 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਵੈਨ ਦੇ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਫਾਇਰ ਦਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲਓ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਲੈਬ 'ਚ ਆਓ ਸੋ ਅਗੇਨ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਰਫੋਰਮ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੇਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਵੈਂਟ ਟੂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰਦਰਫੋਰਡ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਨੌਨਸੈਂਸ ਵਟ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੌਨਸੈਂਸ ਇਫ ਯੂ ਫਾਇਰ ਅ ਬੁਲੇਟ ਟੂ ਵਰਡਸ ਅ ਪੇਪਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦ ਬੁਲੇਟ ਕਮਸ ਬੈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੇ ਅਗੇਨ ਪਰਫੋਰਮਡ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ
कैंसर अल्फा पार्टिकल फिर वापस आ रहे हैं। देन सेड कि चलो मैं देखना कितने गलती कितने कर रहे हैं। ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड अल्फा पार्टिकल वापस आ गया, गोल्ड फॉयल तो हिट करके वापस आ गया। फिर उन्हें सारे काम छाड़ दे, स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सेम एंड। फिर कैलकुलेशन की असं भी करा चैप्टर 8 दैट एंड देन ही कंक्लूडेड दैट द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडिंग द सेम एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस रेडियस इज 1/10,000 रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10^-4 टाइम्स रेडियस ऑफ एटम। वॉल्यूम कितना बनूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 10^ माइनस यस यस स्कूल च वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर याद है 4/3 πr³। r³ सो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज 10^-12 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एटम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे है। सो दैट मीन्स द चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। उन्हें क्या ओवरऑल है तो न्यूट्रल, पूरा एटम ही दे देने, पूरे एटम का मॉडल दे देने। उन्हें क्या पॉजिटिव चार्ज इज एट द सेंटर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वो उन्हें सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह है जे रेस्ते रखूंगा तो सारे कहेंगे अट्रैक्ट क्यों के बिच क्यों नहीं आता। वो कहना घुमा देने, घुमाता इलेक्ट्रॉन घुमाता। फिर उन्होंने पूछा कि अगर इस तरह इलेक्ट्रॉन मूव करता है वेयर द इलेक्ट्रॉन इज रेडियस की है, कहना नहीं पता। कहें चलो ठीक है कोई गल नहीं, वो नहीं समझ आ रहा 1/λ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1/N² माइनस 1/N² वो एम्पीरिकल फार्मूला फिर डेरीवेशन करके दिखाया, वो कहें भी नहीं आता। कहते फिर ठीक है सिर्फ इतों तक रहूगा। तो पूछूगा न्यूक्लियस का साइज किने दसिया पर रदरफोर्ड, एटम नहीं, एटम कि जोड़ा डेरीवेशन करके दिखाऊगा। डेरीवेशन च एंड ते थियरी नाल प्रूव करेगा कि 1/λ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ब्रैकेट 1/N² माइनस 1/N² 1910-11 हो गया। 13-14 इतने फिक्स्ड है, ये डायग्राम तो याद रह जाएगा, अल्फा पार्टिकल वाला अपने आप ड्रॉ कर लेना बाद, ठीक है। तीन पॉइंट्स में इकट्ठे कवर कर रहे हैं 1913-14 दे अराउंड। बोहर ने एटम एक्सप्लेन किया पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, कहता सेम जोड़ा कहता रदरफोर्ड ने किया, आई एग्री विद दैट। इलेक्ट्रॉन्स मूव एट रेडियस r₁, कहता मैं दसदा हाइड्रोजन वास्ते 0.5 angstrom। नेक्स्ट ऑर्बिट तक अगर जाऊगा आई विल एक्सप्लेन r₂। स्पीड पता करनी है मैं दसूंगा v₁। सेकेंड ऑर्बिट स्पीड आई विल एक्सप्लेन, करांगे असं भी करांगे चैप्टर 8 च। 8 डील्स विद द सेम व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज टोटल एनर्जी, सारा कुछ कहता मैं पता है। एंड ये भी कहता पता है जे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट एनर्जी एमिट होएगी, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E₂ - E₁। सॉल्व करांगे H₂ - H₂₁। कैलकुलेशन करता गया असी भी करांगे, एंड ते रिजल्ट आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1/N₁² माइनस 1/N₂² एंड वो कहता जोड़ा मैं करके दिखाया है ये की है थेरी च डेरीवेशन करके दिखाई है। तो जोड़ा कॉन्स्टेंट आया हाइड्रोजन वास्ते 1.01 × 10⁻⁷, तो एम्पीरिकल फार्मूले की सी सेम 10^7। वो कि ईयर किया एम्पीरिकल फार्मूला 1885 आ कि अप्रोक्सीमेटली 1915 से कितना टाइम लग गया, बोलो 30 ईयर्स। उन्हें फिर की किया कहना तुम 30 साल तो रौला पाया जोड़ा कर दूगा प्रूव वह मन लाँगे,
ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਬੋਹਰਸ ਐਟਮ, ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਕ 'ਚ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 30 ਈਅਰਸ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਟਰਾਈਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ, ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਵਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਐਂ ਦੱਸ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਲ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਸਲੇਟਡ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ, ਅਗਰ ਵਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ ਐਕਸਲੇਟਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੈਟ ਐਕਸਲੇਟਡ ਚਾਰਜ ਐਮਿਟਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਐਮਿਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਆ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਦੇਣ 'ਚ, ਬਟ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਲਿਖੋ, ਬੋਹਰਜ਼ ਐਟਮ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ 'ਚ। ਇਹ ਲਿਖੋ, 5 ਮਿੰਟਸ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4, 5, 6 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।